पवई नगर सहित आंचलिक क्षेत्रों के रहवासियों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां पवई विधायक प्रहलाद लोधी के अथक प्रयासों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन स्वीकृत किया गया है, जिसका रविवार को विधायक प्रहलाद लोधी के मुख्य अतिथि में शिलान्यास किया गया। इस दौरान गरिमामयी कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि यह पवई क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। साथ ही महिला डॉक्टर सहित अन्य डॉक्टरों के खाली पड़े रिक्त पदों की पूर्ति भी की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के दीक्षांत सोनी एवं ठेकेदार वरुण सिंह के द्वारा निर्मित होने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। स्तरीय सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य यहाँ प्रारंभ होने वाला है, जो मार्च के महीने में हम लोग इसको प्रारंभ कर देंगे और ये 11 महीने में आप लोगों को बनाकर दे दिया जाएगा। इसमें 9 ओपीडी हैं और 2 ऑपरेशन थिएटर हैं। महिलाओं की मैटरनिटी वार्ड अलग से है, प्री पोस्ट लेबर पोस्ट और प्री लेबर वार्ड भी हैं इसमें, और सर्व सुविधाजनक इसको बनाया जा रहा है। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, इसमें आपका अलार्म सिस्टम, सारे सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इसमें 2 बार प्रवेश करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का और यहाँ के सांसद आदरणीय विश्व शर्मा जी का, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुनाथ चौधरी के बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मैंने बात रखी तो आपने मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल 50 बिस्तर का अस्पताल करने की स्वीकृति दी, जो 10 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बनेगा।